Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today we are going to discuss and CAR. ठीक है, आज की वीडियो में हम CAR के बारे में पढ़ेंगे, या CAR को हम CRAR भी बोलते हैं. अब CAR क्या होता है? CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और CRAR क्या होता है? कैपिटल रिस्क वेटेज एडिक्वेसी रेशियो. ठीक है, अब देखो CAR हमारे बेसल नॉर्म्स में भी इम्पॉर्टेंट है. CRR से अलग क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है. ये आपके BCOM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, MCOM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, NTA नेट के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको डेली लाइफ में भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई CAR क्या होता है और CRAR क्या होता है. ठीक है, अब देखो CAR होता क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्टिंग करती हूँ. ठीक है, CAR जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैंक में पैसे जमा किए. ठीक, तो बैंक हमें क्या करती है? इंटरेस्ट देती है. बैंक में हमने पैसे जमा किए, बैंक हमें मान लो 4% इंटरेस्ट दे रही है. फिर बैंक क्या करती है? उसे फर्दर इन्वेस्ट करती है. बैंक अपने पास तो रखेगी नहीं, बैंक उसे क्या करेगी? फर्दर इन्वेस्ट करेगी, मतलब फर्दर लोन देगी दूसरे लोगों को. जो दूसरे लोगों को लोन देगी वो हमारे इंटरेस्ट से कुछ परसेंट ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने हमें 4 या 5% इंटरेस्ट दे रही है, फिर जो बैंक उसी पैसे को लोन के फॉर्म में देगी तो वो 6% 7% ऐसे लोन देती है. ठीक, अब जो इन दोनों के बीच का गैप होता है ना, वो क्या होता है? स्प्रेड होता है ना, बैंक के पास स्प्रेड होता है, मतलब वो बैंक का एक तरह से प्रॉफिट होता है, वो बैंक के पास होता है. ठीक, अब लोन लिया बैंक ने, अब मान लो कुछ पर्सन डिफॉल्टर हो गए, वो पैसे नहीं दे पाए, तो वो हमारा NPA हो गया. NPA सभी को पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 90 दिन से ऊपर जिनका, या 90 दिन से ऊपर जिनका पेमेंट नहीं हो पाता है, वो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं. और मैंने किसी वीडियो में बताया भी है, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना. ठीक, ये तो मैंने बताया कि अब वो जो आपका NPA हो गया, तो CRR की फॉर्मेशन कहाँ हुआ? लोन का जैसे कुछ, तो बैंक अपने तो CRR बेसिकली ये डिसाइड करता है कि बैंक कुछ परसेंटेज लोन, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का लोन देना है, मैं एक एग्जांपल ले दूँ, तो 8% बैंक को अपने पास रखना होगा, ये CRR में कहा गया है. बट हमारी इंडिया फॉलो करती है 9%, वो अपने पास 1% एक्स्ट्रा लेके चलती है, कि मतलब 8% हमारी इंडिया 9% अपने पास रखेगी. अगर मान लो कोई डिफॉल्टर हो गया तो वो अपने सरप्लस से, अपने बफर से उसकी रिकवरी कर सके, इसलिए CAR की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके समझा रही हूँ, 200 रुपये डिपॉजिट हुए. ठीक, 5 लोगों ने मिलकर डिपॉजिट किया, 40 40 40 40 40. ठीक, 200 रुपये हो गए. अब बैंक ने उसे फर्दर लोन दिया 5 लोगों को, या कितने को भी, उनमें से मान लो 2 या 3 लोग डिफॉल्टर हो गए. अब 2 या 3 लोग जो डिफॉल्टर हो गए, अब बैंक उसकी उसकी रिकवरी कहाँ से करेगी? उसकी रिकवरी करने के लिए CRR का जन्म हुआ, CRR का बर्थ हुआ, CAR का निर्माण हुआ. ठीक है, कि बैंक उससे जो परसेंटेज लोन का है अपने पास रख रही है, उससे वो रिकवरी करेगी. आई होप इतना समझ में आएगा. और CRR का जो रेशियो दिया गया हमारे बेसल नॉर्म्स में, वो दिया गया है 8%, इंडिया 9% कर रही है. ठीक, अब CRR का फॉर्मूला क्या होता है? CRR इज इक्वल टू Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA, मतलब रिस्क वेटेज एसेट्स. ठीक है, Tier 1 और Tier 2 में क्या क्या आता है? देखो Tier 1 में हमारे SLR आता है, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, पेड अप कैपिटल आते हैं, रिजर्व्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी Tier 1 में आती. और Tier 1 हमारा जो होता है वो कैपिटल, इफ़ कुछ लोन वापस नहीं आए, है ना, अगर कुछ लोन वापस नहीं आए तो उनको रिकवर कर लेंगे Tier 1 से, ये हमारे Tier 1 में होती है. Tier 1 की कंडीशन में बैंक अच्छी कंडीशन में होती है, मतलब Tier 1 सिचुएशन में, Tier 1 कैपिटल की सिचुएशन में बैंक एक अच्छी कंडीशन में होती. अब नाउ Tier 2 पे जब तक आते हैं, अगर Tier 2 पे आ गए, Tier 2 की कैपिटल पे आ गए बैंक, तो इसका मतलब है बैंक होने वाली है, बैंक के पास कुछ बचा नहीं है, वो अपना वाइंडिंग अप करने वाली है. ठीक है, अब इसमें क्या आता है? अनडिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं, हाइब्रिड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी Tier 2 में आती हैं. आई होप आपको CAR अच्छे से समझ में आया होगा. और मैं बता दूँ, CAR इट्स अ रेशियो ऑफ अ बैंक
कैपिटल टू दैट ऑफ इट्स रिस्क. और हम कह सकते हैं इसे कि कैपिटल और रिस्क के बीच का जो रेशियो होता है वो CAR होता है ना. बैंक को हेल्प करता है अप रिजर्व द रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ अ बैंक इन फॉर्म ऑफ हमारे बैड डेब्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ बैड डेब्ट्स. ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा CAR होता है या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है. अब देखो इसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी अभी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं. जिन्हें नोट्स बनाने स्क्रीनशॉट लेना है आप कर सकते हो. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अभी हम इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी आपको समझा देते हैं कि क्या होता है. जस्ट अ मिनट. नाउ देखो CAR और CRAR क्या होता है. इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ बैंक्स कैपिटल टू दैट ऑफ इट्स रिस्क. मतलब रेशियो होता है बैंक की कैपिटल और उसके रिस्क का जो रेशियो होता है ना वो CAR होता है. ठीक है, या फिर रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड रिस्क, कैपिटल और रिस्क के बीच का जो रेशियो होता है ना वो CAR होता है. और ये क्या हेल्प करता है, हेल्प्स बैंक इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस फॉर बैंक इन द फॉर्म ऑफ बैड डेब्ट्स. बैंक को ये जानने में हेल्प करता है कि भाई कितना रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस है और किससे, हमारे बैड डेब्ट से, और उसे कैसे हम अपना रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा CAR हो गया. नाउ CAR is the capital needed for a bank measured in the terms of assets mostly loan disbursed by the bank. वही चीज़ मैंने बताई कि CAR ऐसी कैपिटल होती है जो बैंक के द्वारा नीडेड होती है. किसके फॉर्म में, मोस्टली जो बैंक लोन डिस्बर्स करती है. ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि भाई अगर 200 रुपए हैं, 45 लोगों ने इन्वेस्ट किया बैंक में, फिर बैंक उसे फर्दर लोन दे रही है, दो लोग नहीं दे पाए, तो क्या होता है उस सिचुएशन में, क्या होगा, वो कहाँ से रिकवर करेगी. CAR से. CAR का परसेंट डिसाइड होता है कि भाई 8% इंडिया में हमारे 9% है. ठीक, तो वहाँ से वो रिकवर कर देगी. और क्या लिखा है, हायर द एसेट्स हायर शुड बी द कैपिटल बाय द बैंक. जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतनी कैपिटल ज़्यादा होगी बैंक की. ठीक है, कैपिटल इज द मेजर ऑफ अ बैंक अवेलेबल कैपिटल एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर. वही चीज़ मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई है. नाउ अब क्या होता है, CAR का फॉर्मूला होता है Tier 1 + Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स. अब देखो रिस्क वेटेड एसेट्स अगर किसी को नहीं पता हो तो रिस्क वेटेड एसेट्स विद डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं. जैसे हम सभी को पता है कि भाई अगर पर्सनल लोन बैंक देगी तो ज़्यादा उसे, मतलब पर्सनल लोन में ज़्यादा खतरा होता है इन कंपेरिजन टू द हाउसिंग लोन, है ना, या हाउसिंग लोन में कम होता है और पर्सनल लोन में ज़्यादा होता है. ये सबको पता है, मतलब डिफरेंट प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स. अब Tier 1 Tier 2 क्या होता है, Tier 2 मैंने बता दिया भाई SLR है, पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं, अदर इंटेंजिबल एसेट्स है, सरप्लस अराइजिंग, ये टी लिखा है अराइजिंग है. ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ द सेल है, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स हमने, मतलब जो अपनी बहियों में नहीं दिखाया हो, बैलेंस शीट में ना मेंशन किया हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आता है, डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आता है, हाइब्रिड डेब्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये हमारे होते हैं. ठीक है, एक बार इसे हम फिर से एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया. ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने 4% इंटरेस्ट दिया. ठीक है, आप ए हैं, आपने डिपॉजिट किया, फिर बैंक ने उसे फर्दर दे दिया, है ना, फर्दर लोगों को दे दिया लोन. ठीक है, फर्दर लोगों को लोन दे दिया. ठीक, तो ये मैंने बताया था लोन मान लो उसने दिया है 6%, तो ये जो 2% हुआ वो स्प्रेड हुआ. ठीक, ये चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको. नाउ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये तो मैंने बता दिया. अब बैंक ने एक चीज़ मैंने और एग्जांपल के थ्रू बताई थी कि बैंक है, ठीक है, बैंक के पास 200 रुपये हैं. ठीक है, 5 लोगों ने डिपॉजिट किया, 3, 4, 5 40 के हैं. ठीक है, अब इसमें से बैंक ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो दो लोग नहीं दे पाते हैं ये दो लोग, है ना, तो क्या होता है इस सिचुएशन में, लोन जितना भी देना होता है उसका कुछ परसेंटेज रख लेता है. CRR में यही होता है, कुछ परसेंट, मतलब 8% हमारे इंडिया में 9%, तो वो हमारा CAR होता है. ठीक है, एक चीज़ अब हम और समझ लेते हैं कि CAR निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते. फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने दो प्लेस पे दिया है,
ठीक है, दो प्लेस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज की हैं, है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक टी बॉन्ड, जी सेक सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें दो प्लेसेस पे। फिर मान लो उसने दो प्लेसेस पे जनरल पब्लिक को दिया है, है ना, जनरल पब्लिक को दिया है, और मान लो एक प्लेस पे, एक रिस्कियर प्लेस पे दिया है, मान लो पर्सनल लोन दे दिया है, ठीक है, पर्सनल लोन दे दिया। अब एक ये चीज़ हुई, अब आपको कैलकुलेट करना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जो लोन दिया, एक की अमाउंट 200 है, है ना, तो आप क्या, एक की 200 है अमाउंट, तो आप ऐसे इनटू करके निकाल लोगे, ठीक है, तो आप रिस्क वेटेज एसेट्स कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपका आ गया 400, नीचे 400, नीचे 200, 400, 400 और 200, है ना, सॉरी, हाँ 400, 200। अब जो गवर्नमेंट वाली हैं भाई, गवर्नमेंट वाली हैं, तो ये तो आपको पता है कि भाई 0% रिस्क है, 0% रिस्क है, तो किसका किसका अमाउंट लिया जाएगा? इसका लिया जाएगा अमाउंट और इसका लिया जाएगा। अब मान लो, मैं रेस करके फिर से बताती हूँ, अब मान लो नीचे जो आपने पब्लिक को दिया, जनरल पब्लिक को, और जो रिस्कियर प्लेस पे इन्वेस्ट किया है, उसका अमाउंट लिया जाएगा हमारा CAR के फॉर्मूले, मतलब टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA, रिस्क वेटेज एसेट्स बता रही हूँ कैसे लिखा जाएगा। तो जो आपका कितना आया था, 400 प्लस 200 आया था, है ना, तो पहले वाले में मान लो आपको दोगुना रिस्क है और दूसरे वाले में उसके जस्ट डबल, क्योंकि आपने रिस्कियर प्लेस पे किया है, तो कितना हुआ, 800 प्लस 800 कितना हुआ आपका, 1600। तो जो रिस्क वेटेज एसेट्स होगी वो आपकी 1600 होगी, ऊपर कैपिटल होगी। ऐसे आप अपना रिस्क वेटेज एसेट्स निकाल लोगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा CAR, CRAR क्या होता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। इसी तरह की आपको रोज़ वीडियोस मिलती रहेंगी, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम लोग और अच्छे से सेटअप से पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।